Students, today I will discuss with you public expression and the topic which we have discussed yesterday regarding the outcomes of democracy. And in this, various kind of statements we have to discuss and their meaning, like one statement and the answer according to that statement. Okay, and whether it is positive or negative, and what is the exact meaning of that statement. It means now you have to understand, first of all, the definition, whether it is in positive or it is in negative sense. Then you have to state your views. You have to justify the statement by giving suitable examples in the form of headings or in the form of lines. Okay? If the matter is given in detail, then you can form the different headings and subheadings, and then you can explain. If the matter is very short, then you can write in proper points and 5 lines for that, depending upon the question, whether it is of 3 marks or 5 marks. Clear? So first of all, we will discuss about the various kind of statements. Like in the last part of your book or chapter, you can say different statements have been given. First of all, the statement regarding public expression. Public expression means that how people behave, how people express, whether they are responding, whether they are doing, you can say, whether they are criticizing, whether they are participating in the movements, whether they are participating in rallies, whether they are showing a protest, march past, that is their public expression. Whether they are doing debate, discussion, okay? So this shows that they are participating in the functioning of the government. They know what the government is doing, right or wrong, or they are expressing themselves. And by doing this, they want that government should give them importance. ठीक है, ऐसा करके वो government को ये show करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको इम्पोर्टेंस दे, ताकि लॉज जो भी बनाए गए हैं एटलीस्ट उनके लिए, जो भी लॉज बनाए जाते हैं एटलीस्ट उनके लिए. तो जितना पब्लिक एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, जितना डिबेट डिस्कशन ज्यादा होगा, जितना मूवमेंट्स रैलीज ज्यादा होंगी, इट मीन्स जो लोग हैं वो अवेयर हैं, इट मीन्स दैट इज अ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. क्लियर? अब इमेजिन करो ऐसी कंट्री जहां पे गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास कर दे, है ना, कोई भी लॉ गवर्नमेंट पास करे, लोग अपना एक्सप्रेशन शो ही ना करें, ना डिबेट करें, ना डिस्कशन करें. नो डाउट उनको राइट्स ये भी हैं, लेकिन लोग कहें कि हमें क्या है, गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम थोड़ी है ना. तो ऐसे में लोग ना प्रोटेस्ट करें, ना मूवमेंट्स करें, ना रैलीज करें, ना ही डिबेट करें, ना डिस्कशन करें, ना ही अपोज करें. तो इट मीन्स ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, दैट इज नॉट अ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. क्लियर? देन नेक्स्ट इज कंप्लेंट्स आर टेस्टिमनी. टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रूफ ऑफ सक्सेस. टेस्टिमनी प्रूफ ऑफ सक्सेस, इसका मतलब क्या है कि द कंट्रीज वेयर पीपल दे आर डूइंग कंप्लेंट्स, पीपल दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज टेस्टिमनी. टेस्टिमनी का यहाँ पे मतलब क्या है? प्रूफ ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. इसका मतलब क्या है कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पर गवर्नमेंट का जो भी काम है, गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स कंप्लेंट्स कर रहे हैं मतलब वो गवर्नमेंट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, अपनी पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं और गवर्नमेंट को अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं. गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट को वो आंसरेबल बना सके. तो इसका मतलब क्या है, जिन कंट्रीज में लोग कंप्लेंट ज्यादा करते हैं, एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, तो ऐसी कंट्रीज में हम ये कह सकते हैं कि दैट इज अ टेस्टिमनी, दैट इज सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. जहां पे लोग कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, कुछ कंप्लेंट्स ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि दे आर नॉट अवेयर एंड दे आर नॉट एनलाइटेड. ठीक है, देन इसके बाद क्या है, एग्जाम ऑफ डेमोक्रेसी. एग्जाम ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. एग्जाम ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब, एग्जाम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब इसका जो है वो हिडन मीनिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज.
एग्जाम ऑफ डेमोक्रेसी मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नेवर गेट्स ओवर, उनके जो काम है नेवर गेट्स ओवर, उनके जो काम है वो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। वो किसी एक ग्रुप को सेटिस्फाई करते हैं तो दूसरा ग्रुप अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, दूसरे ग्रुप को सेटिस्फाई करते हैं तीसरा ग्रुप प्रॉब्लम्स लेकर आता है। इट मीन्स आप ये सोचो कि हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या स्टेट के जो सीएम हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो अनलिमिटेड है, उनके काम कभी खत्म नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो काम है, उनके जो उनके एक जो क्राइटेरिया है वो कभी खत्म नहीं होते। वंस पीपल दे आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, एंड दे आर डूइंग कंप्लेंट्स, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी कंप्लेंट्स को पूरा कर देती है। देन अनदर ग्रुप दे स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग एंड दे कंप्लेंट्स। और इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप ये सोचो कि जो रूलर्स हैं या जो हेड ऑफ द कंट्री है या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, तो दे आर नॉट फ्री, तो दे आर अंडर प्रेशर, उनके ऊपर भी बहुत काम है, उनको भी अलग अलग तरह के ग्रुप्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो वट एवर दीज स्टेटमेंट्स आर, तो यू हैव टू राइट कंबाइन आंसर सो दैट ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लाइक वेरियस स्टेटमेंट्स आई विल डिस्कस विद यू, तो ये सारा आपने वट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। लाइक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर, इसका मतलब क्या होता है कि एक इस लाइन का मतलब क्या है कि हम जो भी एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से वो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। आए दिन हम न्यूज में पढ़ते हैं, आप देखते हो कि अलग अलग तरह के जो ग्रुप्स हैं वो गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, और हर पर्सन चाहता है कि अगर मैंने गवर्नमेंट को चुन के भेजा है, मैंने इसको MP बनाया है, तो ये मेरा काम करो, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। तो हर पर्सन की एक्सपेक्टेशंस होती है, एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होती, एंड ईच ग्रुप हैज इट्स ओन एक्सपेक्टेशन। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली दिस इज राइट कि अगर एक पर्सन को लगता है कि इसको मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो ये मेरा काम करे, तो इसको पॉजिटिव वे में लोगे कि सपोज मैं कोई अपना काम करवाना चाहती हूँ, ठीक है, मैंने किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है पॉजिटिव, ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि ये पर्सन मेरा काम करवाए। सपोज हमारे एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, तो हमने जिसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस रिप्रेजेंटेटिव को ये बनाऊं कि हमारे एरिया में पानी की प्रॉब्लम को दूर किया जाए, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस में है। तो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शन एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ऑब्वियसली ये थोड़ी कि मैंने रिप्रेजेंटेटिव को चुनके भेजा है, उसके 5 साल तक मैं ना उनको पूछूं और ना ही वो मेरे आंसर ऊपर दूं। तो इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऑब्वियसली होता ही है कि जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस में चूज करते हैं तो वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके काम करें, पॉजिटिव, हम ये पॉजिटिव वे में कह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, इसका मतलब क्या है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसका एग्जामिनेशन कभी खत्म ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं होती। सेकेंड थिंग, अब सपोज मेरी एक एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई, मैंने जो डिमांड किया कि पानी की कमी जो है वो पूरी होगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल गया, अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे घर की जो रोड्स है या हमारे आसपास का जो ट्रैफिक जैम होता है इसको गवर्नमेंट दूर करने के लिए कोई अंडर ब्रिज बनाए या कोई ब्रिज बनाए जाए या फ्लाईओवर बनाए जाए या जो लेन्स है उनको 2 लेन्स कर दिया जाए, 3 लेन्स कर दिया जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम और एक्सपेक्ट करेंगे, हम कहेंगे कि हाँ जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, अब गवर्नमेंट ये करके दिया। सेम, इसका मतलब क्या है, इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, कि जो डेमोक्रेसी है इसका एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता, लोग हमेशा कीप ऑन एक्सपेक्टिंग, लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते रहते हैं। तो जितना एक्सपेक्ट करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट एंड प्रोड्यूसेस अनदर, इसका मतलब जैसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक काम उसका खत्म होता है, जैसे हम कहते हैं 3 फॉर्म्स बिल, तो पूरा एक साल लगा उस बिल के ऊपर जो इश्यूज हुए उसके बाद उसको रिपील कर दिया, अब एक और टेस्ट आ गया, एक और टेस्ट का मतलब अब फिर से नया लॉ बने। इट मीन्स डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज टू क्लियर वन टेस्ट, एक टेस्ट क्लियर किया फिर प्रोड्यूसेस अनदर, फिर दूसरे टेस्ट के लिए वो तैयार, ठीक है। या फिर इसको इजी लैंग्वेज में हम समझे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, आए दिन चैलेंजेस, कितने चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। अब एक गवर्नमेंट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी प्लस एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी, अपनी कंट्री में ही कम्युनल वायलेंस होते हैं या जो लोग हैं अलग अलग तरह के लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फार्मर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, लेबर्स की हैं, बिजनेसमैन की हैं, गोल्डस्मिथ की हैं,
वर्कर्स की हैं, टीचर्स की हैं, लॉयर्स की हैं, डॉक्टर्स की हैं, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस एक तरफ है। इसके बाद एक्सटर्नल सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर जो है उनके सामने, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके सामने अपनी कंट्री की भी सिक्योरिटी है, कैसे अपनी कंट्री को बॉर्डर एरिया से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, किस तरह से डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करना है, एक्सपेंडिचर कहाँ ज्यादा करें, डेवलपमेंट पे करें या कंट्री के जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर या डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर किया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा मनी जो है वो दी जाए या इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी जाए, तो कितने ज्यादा जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन हो। ऑटोमेटिकली कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं होती, ठीक है, इसीलिए ये लाइन का मतलब क्या है, द डेमोक्रेसी हैज टू पास वन टेस्ट एंड प्रोड्यूसेस अनदर, यानी कि एक काम खत्म नहीं होता, एक चैलेंज खत्म नहीं होता, दूसरा चैलेंज हमेशा तैयार रहता है। रीजन इज क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं और जितना एक्सपेक्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को हमेशा एट देयर सर्विस का मतलब क्या होता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड दे आस्क फॉर मोर, जैसे आप लोग, आप बच्चे हो, आपके पेरेंट्स अगर आपको एक चीज लेकर देते हैं तो आपको लगता है कि हाँ जी इट इज वेरी इजी फॉर पेरेंट्स, तो वो सेकंड डिमांड करते हैं, वो सेकंड फुलफिल कर देते हैं, फिर आप थर्ड डिमांड करते हो, तो इस तरह से आप ये सोचो कि आपके पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपकी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, तो जितना आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे वो आपकी डिमांड्स को फुलफिल करते रहेंगे, और आपका जो मांगने का या आपके डिमांड्स करने का जो, जिसमें कहते हैं कि जो एक नीड है वो बढ़ती जाएगी, जितना आपकी मांगे पूरी होंगी वो आप अपनी जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि आप अपनी डिमांड्स और करते जाओगे, ऐसे ही लोग होते हैं, जब एक ग्रुप को लगता है कि उसकी डिमांड्स मान ली गई हैं तो दूसरा ग्रुप अपनी डिमांड्स जो है वो गवर्नमेंट से करता है, ठीक है। एंड इस तरह से अगर इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो इट इज बेटर, क्योंकि लोग जो हैं वो अवेयर हैं, लोग आंखें बंद करके नहीं बैठे, लोग कान बंद करके नहीं बैठे हैं, लोग मुंह बंद करके नहीं बैठे हैं, इट मीन्स लोग गवर्नमेंट जो है उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, ताकि जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ ध्यान दे, उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान, ठीक है। When we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations and complaints. Both expectations and complaints are the testimony. इसका मतलब क्या है कि अगर लोग expect कर रहे हैं, complaints कर रहे हैं, public expression कर रहे हैं, movements कर रहे हैं, rallies कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि democratic government में लोग नहीं है, वो rallies ही करते रहते हैं, movements ही करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। जिस ग्रुप को प्रॉब्लम होती है वो ग्रुप अपोज करता है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है, अब डॉक्टर्स को लगेगा कि हाँ जी फार्मर्स क्यों बैठे हैं ना, तो ऑब्वियसली अब फार्मर्स को प्रॉब्लम्स है तो फार्मर्स अपना रिवोल्ट करेंगे, या अगर लॉ उनके फेवर में नहीं है तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव बीन गिवन फंडामेंटल राइट, राइट टू फॉर्म यूनियंस, राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है। अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसके राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो अपने राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी ले सकते हैं, ठीक है। द फैक्ट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है, प्रूफ ऑफ सक्सेस। टेस्टिमनी का मतलब होता है कि अगर लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं तो इटसेल्फ शोज कि हाँ जी इस कंट्री में लोग जो हैं वो अवेयर हैं, ठीक है, और जितने अवेयर होंगे इट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमो का मतलब क्या होता है, डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेशिया का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल इज मोर सक्सेसफुल। इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस, इससे ये भी पता लगता है कि लोगों में अवेयरनेस है, लोग अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, एनलाइटन हैं, ठीक है, उनमें एबिलिटी टू एक्सपेक्ट है, उनमें ये एबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सके, और क्रिटिकली एनालाइज करें। क्रिटिकली एनालाइज करें मतलब कि क्रिटिकली हर चीज को सोचें, जो गवर्नमेंट कर रही है उसको ऐसा अच्छी ना अपना लें, अगर गवर्नमेंट ने नया लॉ बनाया है तो उस लॉ को अच्छी तरह से क्रिटिकली जस्टिफाई करें, एग्जामिन करें, ठीक है, ओनली देन द मोटिव ऑफ द मेकिंग ऑफ लेजिस्लेशन विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ पब्लिक एक्सप्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि पब्लिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, हाउ पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स, हाउ पीपल फॉर्म देयर पब्लिक ओपिनियन, हाउ पीपल दे रेट। कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते हो ना कि आप रेटिंग करो, जो गवर्नमेंट है उसको रेटिंग करो कि कितने परसेंट गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुल है, कितने परसेंट नहीं है, तो लोग अपनी रेटिंग करते हैं, और जब गवर्नमेंट को ये पता लगता है कि रेटिंग की गई है, रेटिंग का मतलब क्या होता है, उनके वर्क्स को वैल्यूएट किया गया कि एक साल के बाद गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, व्हाटएवर जो भी किया गया, लोग अपनी रेटिंग करते हैं, और उस रेटिंग से गवर्नमेंट को ये पता लगता है कि हाँ जी उन्होंने कितना लोगों को सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है,
एक्सप्रेशन मीन्स कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस करें मूवमेंट्स में. एक्सप्रेस करना सिर्फ यही नहीं होता कि मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, एक्सप्रेस का मतलब होता है वोटिंग करें, वोटिंग में पार्टिसिपेट करें, इलेक्शंस में जो भी मैनिफेस्टोज है उनको पढ़ें, कौन से लीडर को वोट करना है ये सोचें और कौन सी पार्टी को वोट करना है ये सोचें, ठीक है, ताकि जितने भी पावर होल्डर्स हैं या जो भी जिनके पास पावर है उनमें से ये देखा जाए कि कौन बेस्ट है और कौन वर्स्ट, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि जितना लोग पब्लिक एक्सप्रेशन यानी कि पब्लिक ओपिनियन देंगे इसका मतलब है उतनी ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, और जितनी सक्सेसफुल होगी इट विल ट्रांसफॉर्म द सब्जेक्ट इनटू सिटीजंस. सब्जेक्ट और सिटीजन के मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है लोग, लोग और सिटीजन में फर्क क्या होता है, लोग और नागरिक में फर्क क्या होता है, लोग मतलब जो आंखें बंद करके बैठे हैं गवर्नमेंट जो मर्जी कर रहे, सिटीजन कौन होता है, एक सिटीजन का मतलब होता है सिटीजन मीन्स उस कंट्री का वो एक रेजिडेंशियल पर्सन है जिसके पास पावर्स हैं, जिसके पास राइट्स हैं, जिसके पास फंडामेंटल राइट्स हैं और वो उनको यूज कर रहा है, और यूज कर रहा है प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव राइट्स को यूज करें और जो उसको राइट्स मिले हैं और अपनी ड्यूटीज भी परफॉर्म करें. अगर मुझे राइट्स मिले हैं, वोटिंग राइट है, तो मेरी ड्यूटी भी क्या है कि मैं उस पर्सन को वोट करूँ जो पर्सन रियली इस कंट्री को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है. मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट द वोट मेक्स अ डिफरेंस. कई लोगों को ये लगता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि वोट्स जो हैं दैट मेक अ डिफरेंस. इसका मतलब उनका दिया गया एक वोट भी वैल्यूएबल है. एक वोट वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, आप खुद सोचो हमारी कंट्री में, ठीक है, वोटिंग वोटिंग राइट्स के लिए कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया, बिकॉज अर्लियर वी वर नॉट गिवन वोटिंग राइट्स. And in many countries, women were not given right to vote and adult suffrage, women suffrage, that was an example when many men and women, they fought for the rights, voting rights. If now voting rights are given to us, then it's our responsibility that we have to use that voting right in an accurate way. ठीक है? इसका मतलब क्या है? Voting makes difference for us. लेकिन अगर कोई person है, election के दिन उसको छुट्टी होती है और वो घूमने के लिए चला जाता है, voting नहीं करता, इसका मतलब उस पर्सन के लिए वोटिंग का कोई डिफरेंस, वोटिंग के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. तो इट मीन्स अपनी कंट्री में अपने इंटरेस्ट या अपने लोगों के इंटरेस्ट या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हर पर्सन को आगे आना चाहिए ताकि वो वोटिंग का जो राइट है उसको प्रॉपरली यूज करें. सेकेंड नंबर टेस्टिमनीज मतलब कंप्लेंट्स, या फिर सपोज उनको गवर्नमेंट का कोई लॉ जो है उसको पढ़े, प्रॉपरली टाइम दो. बीइंग अ स्टूडेंट आप भी न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट 5 मिनट्स इन अ डे आप नया कोई भी लॉ देखते हो कि हाँ जी गवर्नमेंट ने ये नया लॉ पास किया है, उसको अच्छी तरह से रीड करो. ये मत सोचो कि ये मेरे फायदे के लिए है ये या मेरे जो है उसके लिए नहीं है टॉपिक, यानी कि बीइंग अ स्टूडेंट वो आपके लिए मैटर नहीं करता, बट स्टिल यू हैव टू मेक योर इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आप अभी से इंटरेस्ट बनाओगे ना तो आगे जाकर ये हैबिट बनेगी आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की, और आप देखोगे कि गवर्नमेंट कौन से लॉ पास करती है, कोई भी नया लॉ पास होता है उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है. थर्ड थिंग, आप ये जज करो कि दोज पीपल हु आर कंप्लेनिंग, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, इफ दे आर डूइंग कंप्लेंट फॉर राइट, अगर उनकी कंप्लेंट्स राइट हो देन सपोर्ट देम, आप उनको सपोर्ट करो, ठीक है. सपोर्ट कैसे कर सकते हो, बाय गिविंग योर व्यूज, ठीक है, आप कैसे व्यूज दे सकते हो, ठीक है, आप देखते हो कि न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, ठीक है, टेलीविजन में बहुत से लोग डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं और अपने अपने व्यूज देते हैं, ठीक है, और इस तरह से पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिक एक्सप्रेशन, पब्लिक एक्सप्रेशन के द्वारा, पब्लिक ओपिनियन के द्वारा आप अपने व्यूज जो है वो दे सकते हो. आजकल के टाइम पीरियड में लोग क्या करते हैं, कोई मैसेज आता है उसको शेयर करते हैं. शेयर करने का मतलब क्या है कि आप लोगों को ये बताना चाहते हो, अगर आपको कोई चीज पॉजिटिव लगती है तो आप शेयर करो, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, जितना आप अवेयर रहोगे, जितना आप अलर्ट रहोगे, जितना आप अपनी कंट्री की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आंसरेबल बनाओगे, उतना ही ये क्या है, टेस्टिमनी. टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रूफ ऑफ सक्सेस, ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ. अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ वर्डिंग्स आर देयर एंड यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स. और इसमें आपके ये पॉइंट्स सारे हिंट्स होने चाहिए. Like you will start, suppose these are the statements, you will start from the elections. आपने election से start करना है, that in the elections, when people they elect their representatives, then their motive is that these representatives should run the government. Number two, when these representatives are selected, जब वो MPs बन जाते हैं, then people they are expecting, ठीक है, लोग expect करते हैं
कि ये एमपीज उनके लिए काम करेंगे. सपोज उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, देन आती है कंप्लेंट्स. ठीक है, फिर आएंगी कंप्लेंट्स दैट पीपल दे आर डूइंग कंप्लेंट्स एंड दीज कंप्लेंट्स आर द सक्सेस और प्रूफ ऑफ सक्सेस दैट पीपल दे आर अवेयर. ठीक है, और जितना वो एक्सपेक्ट करेंगे, जितना क्रिटिसाइज करेंगे, जितना अपोज करेंगे, उतना ही वो अवेयर. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो सिंपल लोग नहीं है, वो पब्लिक नहीं है. ठीक है, वो सब्जेक्ट नहीं है, दे आर सिटीजन्स एंड उनको पता है कि उनके वोट की वैल्यू क्या है, वोट मेक्स डिफरेंस फॉर देम. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने इसमें बताने. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू कैन से द डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, वी हैव डिस्कस. सो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द फीचर्स ऑफ हाउ डेमोक्रेसी इज आंसरेबल, हाउ इट इज रिस्पॉन्सिव and how it is legitimate, we have discussed this. Then second is, what are the conditions under which democracy accommodates social diversity? Social diversity, yani ki democracy, kaun kaun si aisi conditions hain jisme hame ye pata lagta hai ki democratic government jo hai wo social diversities ko accommodate karti hai. So that we have discussed yesterday, ki kaise democracy dignity and freedom jo hai wo maintain karti hai. Theek hai, human rights, various kinds of rights have been given to the government. इसमें आपने सारे rights बता देने हैं, voting right, political right, fundamental rights, then elections. ठीक है, then reservation of seats in the parliament. इसका मतलब क्या है कि अलग अलग groups को proper reservation देकर जो है वो उनको proper जो है वो social diversities को accommodate किया गया है. Then dignity and freedom to the women also. Women जो है उनको proper seats reserve की गई हैं. Otherwise कई countries ऐसी हैं जहाँ पे men और women के बीच में आज भी differences हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वुमेन की डिग्निटी को ज्यादा मेंटेन किया जाता है. देन इक्वल स्टेटस अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल हैव बीन गिवन ओनली इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अदरवाइज कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज जो है उनको रिमूव कर दिया गया है. रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम टू ऑल हैव बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल. देन मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, द क्वेश्चन ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, यानी कि जिसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी को ओवर रूल ना कर सके, इसके लिए हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए दोनों ही मेजॉरिटी या माइनॉरिटीज के लिए सेम काइंड ऑफ प्रोविजंस रखी गई हैं. यानी कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो हमारी कंट्री में सभी लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में रखा गया है. रिलीजन के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज ना हो, तो हमारी कंट्री को सेकुलरिज्म यानी कि सेकुलर रखा गया. ठीक है, तो ऑल दीज पॉइंट शो दैट डेमोक्रेसी प्रोमोट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स and accommodate social diversities. Clear? So these two questions you have to complete. And otherwise we have discussed, once again I am going to recap the whole chapter that we have discussed yesterday or today. Outcomes of democracy. How do we assess democratic outcome? इसमें हमने क्या बताना, सारे democracy के positive features बताना. ठीक है, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेटिक आउटकम, कि हम डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स को कैसे असेस करते हैं, ये सारा पॉजिटिव बताना. पॉजिटिव में क्या बताओगे, इट प्रमोट्स इक्वालिटी, डेमोक्रेसी कैसे इक्वालिटी प्रमोट करती है, कैसे डिग्निटी, इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन करती है, कैसे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है, कैसे रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को, और कैसे अपनी मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती. प्लेटफॉर्म का मतलब कि पिछले 5 साल में अगर कोई पार्टी अच्छा नहीं कर पाई तो उनको अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करने का टाइम मिलेगा और वो पूरे 5 साल में लोगों के पास जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, ताकि नेक्स्ट इलेक्शंस में जब लोगों को वोटिंग करने के टाइम याद आए कि हाँ जी ये पर्सन हमारे पास आए थे तो उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट किया और पिछली जो गलतियां हैं उनसे सीखा. तो ये सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही पॉसिबल होता है. ठीक है, इसके बाद फिर हमने किया अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, इसमें अलग अलग जितने भी वर्ड्स हैं इनको अपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना. देन इसके बाद क्या है कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर, अल्टरनेट. अल्टरनेट मतलब डेमोक्रेसी का अल्टरनेट कौन सा है, ऑटोक्रेसी है, मोनार्की सिस्टम है, ठीक है, या फिर डिक्टेटरशिप है. तो हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन इट्स अल्टरनेट, तो इसमें सारे आपने डेमोक्रेसी के फीचर्स बताने. ठीक है, देन इसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि डू यू थिंक डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्या उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट 100% है? तो हम कहेंगे नो. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री में 100% जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है.
इट इज नॉट पॉसिबल कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हर तरह की इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिमूव कर दे। तो इसके लिए मैंने आपके साथ नंबर ऑफ फैक्टर डिस्कस किए थे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, देन डिले इन डिसीजन मेकिंग। इसमें हमने सारे डीमेरिट्स बताने कि हमारी कंट्रीज को अगर आप दुबई जैसी कंट्रीज का कंपेयर करोगे तो दुबई जैसी कंट्रीज जो है वो डेवलप कंट्रीज हैं और हमारी कंट्री अभी भी डेवलपिंग है। डेवलपिंग का मतलब क्या है कि स्टिल वी आर डेवलपिंग एंड हमारी कंट्री में पॉपुलेशन साइज देखा जाए हमारी कंट्री जो है वो सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। ग्लोबल सिचुएशन, हमारी कंट्री की ग्लोबल सिचुएशन का मतलब देखा जाए यूएनओ में हम सिक्योरिटी काउंसिल में भी नहीं है, परमानेंट मेंबर्स में भी नहीं है। तो हमारी कंट्री की रूपी वैल्यू इसको डॉलर के साथ अगर कंपेयर करो तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और बाकी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के कारण हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी इज देयर, अनएम्प्लॉयमेंट, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल दे आर लिविंग, एंड परसेंटेज ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल इज मोर इन आवर कंट्री। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इनकम इज देयर। सो ऑल दीज फैक्टर्स शोज दैट कि स्टिल इन आवर कंट्री नो डाउट वी आर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट रेट ऑफ ग्रोथ दैट इज नॉट हाई, ठीक है। हमारी कंट्री का रेट ऑफ ग्रोथ हाई नहीं है, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है दैट इज लेस, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। बहुत से फैक्टर्स जो हैं जिसके कारण हमारी कंट्री अभी भी जो है डीमेरिट्स बताने आपने सारे इसमें, ठीक है। देन इसके बाद फिर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, सेम कि डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो सारे फैक्टर्स आपने बताने कि गवर्नमेंट कंसर्न्ड नहीं है, 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ जो है वो अपना मोटिव्स, अपने सेल्फिश मोटिव्स पूरा करती है। देखा जाए तो इंडिया और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी भी शेयर ऑफ परसेंटेज ऑफ रिच पीपल इज हाई, यानी कि इनकम की बात की जाए तो जो रिच पीपल है उनकी इनकम ज्यादा होती है तो पुअर पीपल दे आर डाइंग ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ कंसंट्रेशन टू दीज पीपल, देयर शेयर इन द टोटल नेशनल इनकम इज वेरी लो। तो ये सारे वही नेगेटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव फीचर्स अपने बताने, ठीक है। इसके बाद है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, तो ये भी फीचर अभी डिस्कस किया है हमने पैकेज साइज में जो क्वेश्चन था, दैट हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। कैसे डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी किसमें होती है, मेजोरिटी माइनॉरिटी में, मैन वुमेन में, ठीक है, रिलीजियस कम्युनल वायलेंस, कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करती है, ये हमने पॉजिटिव बताना। ये सारे मैंने अभी आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए थे, ये सारा आप पॉजिटिव बताओगे, ठीक है। डिग्निटी और फ्रीडम, सिटीजन्स की डिग्निटी, वुमेन की डिग्निटी कैसे मेंटेन की जाती है, कास्ट इनइक्वालिटीज को कैसे रिमूव किया गया है, रिजर्वेशन सिस्टम, तो ये सारा आपने इसमें बताना। देन इसके बाद फिर आपने एज डेमोक्रेसी पासेस वन टेस्ट एंड प्रोड्यूसेस अनदर, तो ये सारा जो है कि हाउ यू कैन से दैट एग्जाम्स ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर, कि डेमोक्रेसी का एग्जाम कभी खत्म कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है, ठीक है। इसमें हमने क्या बताना है मेन, कि यस वी कैन से दैट एग्जाम ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर बिकॉज द मेन प्रॉब्लम इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल एंड कंप्लेंट्स। इट इज पॉजिटिव, यस पीपल विल एक्सपेक्ट मोर एंड द गवर्नमेंट विल ट्राई टू गिव फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस। वेल व्हेन ऑल द एक्सपेक्टेशंस विल बी फुलफिल्ड देन पीपल विल डिमांड मोर, लोग और डिमांड करेंगे, ठीक है। एंड इफ द गवर्नमेंट विल नॉट फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस देन पीपल विल डू कंप्लेन, तो लोग फिर कंप्लेन करेंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पेरेंट्स आपकी हर डिमांड्स पूरी करते हैं तो इट इज ओके, एक चीज ऐसी होगी जब आपके पेरेंट्स से कोई आपकी डिमांड पूरी नहीं की तो आप कंप्लेंट्स करोगे, ठीक है। तो सेम लोग भी ऐसा करते हैं कि एक टाइम आता है जब गवर्नमेंट उनकी हर बात नहीं मान सकती तो वो कंप्लेंट्स करते हैं, कंप्लेंट्स करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे और अपने पॉइंट्स को प्रूव करेंगे। अगर उनके पॉइंट जेन्युइन हैं, ठीक है, अगर उनकी कंप्लेंट जेन्युइन हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट जो है उनके पॉइंट्स को मानेगी और इस तरह से अगर पॉइंट्स को मानती है या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लिया जाता है तो दैट इज द प्रूफ, टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रूफ और सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोगों ने जो पब्लिक एक्सप्रेशन किया, लोगों ने जो अपनी पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के सामने रखी उसको मान लिया गया, ठीक है। एंड दैट इज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का एग्जाम कभी खत्म नहीं होता, इट हैज टू पास वन टेस्ट एंड इट हैज टू प्रोड्यूस अनदर, क्लियर। सो ऑल दीज फैक्टर्स आई हैव डिस्कस विद यू, एनी डाउट।